सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमको याद है कि इसी कोरोना का संकट काल में लॉकडाउन के ठीक पूर्व या लॉकडाउन लग चुका था पूरे देश, उस वक्त हम लोगों ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया और उसी से यह स्पष्ट हो गया था कि यह सरकार सबकी राय लेकर ही आगे का निर्णय लेती है, जिसके कारण पिछला जो हम लोगों का जो संघर्ष रहा था वो काफी हम कह सकते हैं उपलब्धियों वाला भी था और सबने उस पर एक साथ मिलकर सरकार के साथ में उस संकट को सामना किया था। लेकिन पुनः इस संकट को सरकार के द्वारा नहीं, हम लोगों ने अपने ही द्वारा आमंत्रित किया। जो अवहेलना हम लोगों ने सरकारी जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी इंस्ट्रक्शन थे, जो भी गाइडलाइंस थे, उन गाइडलाइनों को हमने खुद ही तोड़ा है और खुद ही तोड़कर आज एक बहुत महासंकट की ओर हम लोग बढ़े, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को जो भी पैंडेमिक है उससे खुद को बड़ा मान लिया था। बड़ा मानने का बहुत सारा कारण भी दिखा था, क्योंकि जब बिहार का इलेक्शन हुआ था, हम लोगों के यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन चल भी रहा है बंगाल में, तो उस वहां पर जिस प्रकार से सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा चाहे स्टेट लीडरशिप के द्वारा जो रिफ्लेक्शन आया, लोगों को लगा कि हम अब इस लड़ाई से ऊपर उठ चुके हैं और कहीं ना कहीं सावधानी से यदि दूर भी हट गए तो अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मानसिकता हम लोगों में जिस दिन से घर कर गई, हम एक महान संकट की तरफ और तेजी से आगे बढ़ गए। अब जब संकट द्वार पे फिर से खड़ा हो गया, तब हम पूरी तरह से ये तड़प रहे हैं, सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य को अभी भी पूरी तरह से माने नहीं है। मेरा हमको लगता है कि अब इस बात पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो आगे तक तस्वीर है, सरकार तो अपना काम कर रही है, बेहतरी से काम कर रही है, हर सरकार चाहती है कि वो डिलीवर करे और खासकर स्वास्थ्य में तो किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, ये तो हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन इसपे भी जो आपदा है उसमें भी जो अवसर खोजने वाले लोग हैं वो भी कहीं छुपे हुए नहीं, खासकर दो चीजों पर, एक प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन पर, दूसरा जो एसेंशियल ड्रग्स है, चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे एक्टेमरा हो, ये दो ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिनको लेकर खुले बाजार में जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है उसका परमिशन हमको लगता है सभ्य समाज नहीं देता है। तो मेरा सबसे पहले एक डिमांड भी होगा कि सरकार एक सोशियो हेल्थ ऑडिट टीम बना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बड़े हॉस्पिटल है, जो नामी हॉस्पिटल है इस राज्य में, वो सभी जो प्राइवेट प्रबंधन है वहां पर जिनका अपना कुछ ज्यादा व्यक्तिगत पैरवी है, वो क्या हो रहा है, यदि कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनपे कोई सिम्टम्स भी डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो बेड को ऑक्यूपाई कर ले, ऑक्यूपाई करके वहां पर समय बिता रहे कि जब तक हम फिर से नेगेटिव ना हो जाए हम हॉस्पिटल के अंदर ही रहे। जबकि जो एक्चुअल नीडी है उनको क्या हो रहा है कि बेड मिलने में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तकलीफ है, सरकार में तो है ही है। इसलिए हमको लगता है कि एक डेली का एक चार्ट डिस्प्ले होना चाहिए और ये मैंडेटरी हर हॉस्पिटल को करना चाहिए और हर हॉस्पिटल का एक रेगुलर ऑडिट होना चाहिए कि वहां पर रियली इमरजेंसी के मरीज कितने हैं और कितने मरीजों को हम घर में रखकर, क्योंकि हम यदि एक टीम ये भी बनाए हम लोग कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स है जो प्रैक्टिस करते हैं उनका भी एक यदि टीम बना लिया जाए कुछ मोहल्लों को लेकर, कुछ गांवों को लेकर, कि आप अपने इलाके के लोगों को जो घर पे लोग उनको मॉनिटर कर लीजिए, तो हमको लगता है कि एक बेहतर उपाय की तरफ हम लोग जा पाएंगे। बेड बढ़ाना है, बेड के लिए केवल ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बेड के लिए हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए। हेल्थ वर्कर हमारे पास आज के दिन में बहुत अच्छे
स्थिति में तो हम नहीं है, इसको हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि दो मेगा सेंटर हम लोगों के पास बन सकता है जो हेल्थ के लिए। और सबसे अच्छी चीजें हैं कि हमारे यहाँ पर झारखंड में और अगल बगल के दो जिलों मतलब रांची और रामगढ़ में दो बड़े बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी, साथ साथ जो पीएसयूज है उनके भी अपने अपने हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल भी हमारे काम आ सकते हैं। तो इस इमेज से कुछ स्टाफ को हम लोग यदि कुछ लेंड कर ले और उनके सुपरविजन में हम लोग यदि ये क्वारंटाइन सेंटर बोलकर यदि चला पाए, क्योंकि देखिए उसमें दो चीजें बहती है। एक तो जैसे आर्मी नाम सुनेगा आदमी तो वो अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएगा, क्योंकि वो सिविल जो भी ऑथोरिटी है उसको से ज्यादा वो आर्मी ऑथोरिटी को डरता है, उसको अवॉइड करेगा। तीसरा है हमारा जो आज के दिन में जो यहाँ पर स्थिति है, उस स्थिति इमरजेंसी स्थिति में हम लोग हैं, तो इस इमरजेंसी स्थिति से हम लोगों को यदि निकल के आना पड़ेगा, हम लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ एक्टिविटी हम लोगों को रोकना पड़ सकता है, लेकिन एक चेन को तोड़ने के लिए हमको निश्चित तौर पर हमको जाना पड़ेगा एक कड़े निर्णय के तरफ, और वो निर्णय होगा कंप्लीट लॉकडाउन का। और ये कंप्लीट लॉकडाउन निश्चित तौर पे कंप्लीट वर्ड जब भी यूज होगा वो सब पे लागू होगा, और केवल हम मेडिकल जो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट है उनको हम छोड़ सकते हैं, और फूड ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मिल्क के लिए हम सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही छोड़ सकते हैं। हमको मालूम है कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और ज्यादातर तकलीफ उनको होगी जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन उसके प्रति भी सरकार संवेदनशील है। पिछले बार भी हम लोगों ने किसी को भूखे सुने नहीं दिया था, किसी को भूखे जाने नहीं दिया था, उस संकल्प को हम लोग फिर से दोहरा सकते हैं। और तीसरा है कि हम लोग जब भी लॉकडाउन से जब बाहर आए तो वो लॉकडाउन से कंप्लीट एक साथ बाहर ना आ जाए, उसमें भी फेज आउट करके निकले, क्योंकि रामेश्वर बाबू ठीक बोल रहे थे कि बार बार एक तरफ से आ जा रहा है कि रामेश्वर बोलते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा आज की स्थिति में। ठीक है, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन आज का ये है कि अपर बाजार में लोगों ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है, शास्त्री मार्केट ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है, ये सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हेलो, थोड़ा जल्दी कंक्लूड करें सर, समय ज्यादा। ये सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इसलिए हमको लगता है कि सरकार को कड़ा निर्णय लेकर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। बाकी सरकार का जो भी फैसला होगा, पार्टी सरकार के फैसले के साथ है, सरकार के फैसले को गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार और जोहार।